क्या मक्खी के अंदर बीमारी और उसकी शिफा दोनों असर मौजूद होते हैं? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुइज़ जमशेद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि क्या मक्खी के अंदर बीमारी और उसकी शिफा दोनों असर मौजूद होते हैं। जॉर्जिया साउदर्न यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी का एक आर्टिकल शाया हुआ। इस आर्टिकल में ये बात कही गई कि मक्खी के जिस्म पर एक खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया का नाम स्टेफ ऑरियस होता है। ये खतरनाक बैक्टीरिया जल्द खून और उसके साथ साथ पेट का एक खतरनाक इन्फेक्शन जिसे एंटीरोटॉक्सिक फूड पॉइजनिंग कहते हैं करवाता है। वैसे तो ये बैक्टीरिया मक्खी के जिस्म पर मौजूद होता है, मगर अगर ये बैक्टीरिया इसके पेट में चला जाए तो मक्खी का जिस्म इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक हैरानकुन तदबीर इख्तियार करता है। मक्खी के पेट में इस बैक्टीरिया की मौजूदगी से एक खास किस्म का प्रोटीन पैदा होता है। ये प्रोटीन जरासीम कुश होता है, यानी ये कि जरासीम को खत्म कर सकता है। इस प्रोटीन का नाम डिफेंसिन प्रोटीन होता है। इस आर्टिकल के मुताबिक ये डिफेंसिन नामी प्रोटीन तमाम किस्म के बैक्टीरिया जिनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया शामिल हैं और फंगस यानी कि फफूंदी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। अब यहाँ पर इस रिसर्च के हवाले से मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपकी नजर करता हूँ। सुनन इब्ने माजा की किताबुल तिब किताब नंबर 31 की हदीस नंबर 3634 में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर पीने की किसी चीज में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को पूरी तरह से उस मशरूब में डुबो और फिर मक्खी को फेंक दो, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा होती है। अब जब हम इस हदीस का मुताला करने के बाद इस रिसर्च पर एक तहकीकी निगाह डालते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि जब मक्खी किसी पीने की चीज में गिरती है तो उसके जिस्म पर मौजूद बैक्टीरिया इर्द गिर्द के पानी में तहलील हो जाते हैं, और जब हम मक्खी को पूरी तरह से पानी में डुबो देते हैं तो इसके इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरिया मिला गंदा पानी इसके पेट में चला जाता है, और जैसे ही इसके पेट में पहुंचता है वैसे ही डिफेंसिन प्रोटीन पैदा होने लगता है, और मक्खी के पानी में डूबे होने की वजह से ये प्रोटीन इर्द गिर्द के पानी में तहलील होकर तमाम तर बैक्टीरिया को मार देता है। सुभान अल्लाह, इस तहकीक से बात साबित हो गई कि आज 1400 साल बाद भी अल्लाह ताला नई साइंसी तहकीकात के जरिए हुजूर अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस की सदाकत बयान कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूँ, ज़िंदगी में कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हमेशा तवक्कल करते रहें और मुस्कुराते रहें। सुन्नत भी है और सदका जारिया भी। एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज़ मी डॉक्टर मुइज़ जमशेद साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी।